मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी कंटिन्यू डेराइव नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड डेराइव नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किन सीरीज एंड derived nomenclature of alkyne series. In derived nomenclature, all members of homologous series named by a representative member, यानी जो derived nomenclature है उसमें जो homologous series के जितने भी member हैं उनका जो nomenclature है वो एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के बेस पे दिया जाता है, यानी उस होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर हैं वो उस रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के क्या होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे। तो उनके डेरिवेटिव नेम में उस रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का जो नेम है वो लास्ट में एज ए सफिक्स आता है, और ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं वो उस रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के क्या होंगे, डेरिवेटिव होंगे। इसलिए इस नॉमेनक्लेचर को डेराइव नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहा जाता है। एल्कीन में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर था CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको स्टैंडर्ड नेम दिया था एथिलीन। और एल्कीन के जितने भी मेंबर थे वो डेरिवेटिव थे किसके, एथिलीन के, यानी सभी के नेम के लास्ट में क्या आ रहा था, एज ए सफिक्स एथिलीन। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ये इतना पोर्शन है ये हो गया एथिलीन का, और एथिलीन से अटैच है मेथिल, तो इसका डेराइव नॉमेनक्लेचर था मेथिल एथिलीन। नेक्स्ट एल्कीन थी ये जो इतना पोर्शन है डबल बॉन्ड एंड टू कार्बन वाला, ये इतना एथिलीन हो गया, इधर फर्स्ट मेथिल इधर सेकंड मेथिल, फॉर टू मेथिल डाई मेथिल, और इसके लिए एथिलीन, डाई मेथिल एथिलीन। इसी टाइप से एल्काइन में अपन ने किया था लास्ट क्लास में, एल्काइन में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर था ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसे स्टैंडर्ड नेम दिया था एसिटिलीन। तो एल्काइन के अब जितने भी मेंबर होंगे वो डेरिवेटिव होंगे किसके, एसिटिलीन के, यानी ऑल मेंबर्स के नेम के लास्ट में क्या आएगा, एसिटिलीन। जैसे नेक्स्ट है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये इतना पोर्शन हो गया एसिटिलीन, और इससे लगा है मेथिल, तो ये हो गया मेथिल एसिटिलीन। ये एसिटिलीन, और फॉर टू मेथिल डाई मेथिल एसिटिलीन। तो ये डेराइव्ड नॉमेनक्लेचर था एल्कीन एंड एल्काइन के लिए। टुडे वी स्टार्ट डेराइव्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल सीरीज। फॉर एल्कोहल सीरीज इन डेराइव्ड नॉमेनक्लेचर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर इज CH3
OH. अल्कोहल सीरीज के लिए रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है CH3OH और इसे स्टैंडर्ड नेम दिया जाता है यहाँ पे कार्बिनॉल. CH3OH को डेराइव नोमेनक्लेचर में स्टैंडर्ड नेम देते हैं कार्बिनॉल. अब अल्कोहल सीरीज के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे डेरिवेटिव होंगे किसके, कार्बिनॉल के. यानी सभी के नेम के लास्ट में क्या आएगा, कार्बिनॉल. अब देखिए ये कार्बिनॉल पोर्शन कितना होगा, OH एंड OH जिस कार्बन से अटैच है वो इतना पोर्शन अपन लेंगे किसके रूप में, एज ए कार्बिनॉल. नेक्स्ट मेंबर CH3CH2OH. OH एंड OH अटैच कार्बन, ये इतना पोर्शन हो गया क्या, कार्बिनॉल. और कार्बिनॉल से अटैच है मेथिल, तो इसका डेराइव्ड नोमेनक्लेचर हो गया मेथिल कार्बिनॉल. इतना पोर्शन हो गया कार्बिनॉल और कार्बिनॉल से लगा है CH3CH2 एथिल. तो ये हो गया एथिल कार्बिनॉल. नेक्स्ट ये इतना पोर्शन हो गया कार्बिनॉल और कार्बिनॉल से लगा है प्रोपिल. और प्रोपिल किस कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में. एंड प्रोपिल कार्बिनॉल. In this alcohol, isopropyl group attached with the carbinol. Iso condition होगी CH3CH3. For three carbon propyl, so isopropyl group attached with the carbinol. Isopropyl carbinol. For this alcohol, in this alcohol, this is carbinol part. ये carbinol portion हो गया, अपने कहा था OH और OH जिस carbon से attach होता है वो portion होगा carbinol. तो ये carbinol हो गया. अब carbinol के इस side में तो लगा है CH3CH2 ethyl and इस side में लगा है CH3 methyl. अब एथिल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है ई से एंड मेथिल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एम से. तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट रूल एथिल पहले आएगा, तो इसका नेम हो जाएगा एथिल मेथिल कार्बिनॉल. नेक्स्ट अल्कोहल CH3CH3. दिस पार्ट इज कार्बिनॉल. कार्बिनॉल के इस साइड में लगा है मेथिल और इस साइड में भी मेथिल. फॉर टू मेथिल डाई मेथिल कार्बिनॉल.
for this alcohol. This is tertiary butyl alcohol. Derivative name of tertiary butyl alcohol. ये वाला पोर्शन हो गया कार्बिनोल OH एंड OH से अटैच कार्बन. कार्बिनोल हो गया तो कार्बिनोल से यहाँ पे लगे हैं थ्री मेथिल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. सो डेरिवेटिव नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल इज ट्राई मेथिल कार्बिनोल. ट्राई मेथिल कार्बिनोल. नेक्स्ट एल्कोहल इज नियोपेंटिल एल्कोहल. इसका कॉमन नेम क्या था? नियोपेंटिल एल्कोहल. ये इतना पोर्शन नियोपेंटिल है. नियो कंडीशन है फॉर फाइव कार्बन पेंटिल एंड OH एल्कोहल. अब देखिए इसका डेरिवेटिव है. ये इतना पोर्शन हो गया कार्बिनोल और कार्बिनोल के टच में है टर्शियरी ब्यूटिल. कौन सा ग्रुप है ये इतना? टर्शियरी ब्यूटिल. सो टर्शियरी ब्यूटिल कार्बिनोल. तो इस टाइप से एल्कोहल सीरीज में जितने भी जो मेंबर है उसको डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर में डेरिवेटिव्स माना जाता है. किसका? कार्बिनोल का. नेक्स्ट अपन सीरीज लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है इसका सेकंड मेंबर. फर्स्ट मेंबर तो इसका फॉर्मिक एसिड होता है. डेराइव्ड नोमेनक्लेचर में इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो लेते हैं इसका सेकंड मेंबर CH3COOH. और इसको स्टैंडर्ड नेम वो ही दिया जाता है जो इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड. सो एसिटिक एसिड इज रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन डेराइव्ड नोमेनक्लेचर. So, all carboxylic acids are derivative of acetic acid. ये इतना पोर्शन हो गया एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड से लगा है मेथिल. मेथिल एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इधर लगा है एथिल. ये हो गया एथिल एसिटिक एसिड. इस टाइप से डेराइव्ड नोमेनक्लेचर में जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डेरिवेटिव होते हैं किसके? एसिटिक एसिड के. नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज एल्डिहाइड. फॉर एल्डिहाइड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर इज एसिट एल्डिहाइड CH3CHO. एंड स्टैंडर्ड नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड यूज एसिट एल्डिहाइड ऑल्सो कॉमन है.
तो इसका जो कॉमन नेम है वो ही डेराइव्ड नोमेनक्लेचर में एज ए स्टैंडर्ड नेम है वो यूज लिया जाता है. सो ऑल एल्डिहाइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ एसिटाल्डिहाइड. इतना पोर्शन है वो हो गया एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड से लगा है मेथिल. तो डेराइव्ड नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड इज मेथिल एसिटाल्डिहाइड. CH3CH2 ethyl और ये हो गया acetaldehyde. तो ये हो गया ethyl acetaldehyde. इस टाइप से aldehyde सीरीज में जितने भी aldehydes के मेंबर हैं वो डेरिवेटिव होंगे किसके acetaldehyde के. नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज है कीटोन. कीटोन सीरीज के लिए रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है CH3C(OCH3) एंड स्टैंडर्ड नेम ऑफ फॉर दिस कीटोन यूज एसीटोन. सो ऑल कीटोन्स आर डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन इन डेराइव्ड नोमेनक्लेचर. इतना पोर्शन हो गया एसीटोन और इधर लगा है CH3 मेथिल. तो ये हो गया मेथिल एसीटोन. ये इतना पोर्शन एसीटोन हो गया, इधर मेथिल, इधर भी मेथिल. ये हो गया डाइमेथिल एसीटोन. इतना पोर्शन एसीटोन हो गया और इससे लगा है एथिल इथाइल एसीटोन. तो इस टाइप से ये था अपना डेराइव्ड नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो अपने नोमेनक्लेचर में कंप्लीट हो चुके हैं ट्राइबल नोमेनक्लेचर जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेम है वो उनके सोर्स के बेस पे होते हैं. फिर कॉमन नोमेनक्लेचर जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन है उसको एज ए एल्किल ग्रुप है वो लिखा जाता है. और उसके बाद था डेराइव्ड नोमेनक्लेचर जिसमें कोई भी होमोलोगस सीरीज है उसके जितने भी मेंबर हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के क्या होते हैं डेरिवेटिव होते हैं. तो इस टाइप से ये नोमेनक्लेचर के जो 3 मेथड्स हैं वो कंप्लीट है. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में लास्ट जो मेथड है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर जिसके क्वेश्चन है वो हर साल है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. IUPAC नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वो अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.